हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी विंटर का टाइम आ गया, तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि हमें गमलों की और मिट्टी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंपल सा छोटा सा आइडिया। अगर आपके पास इस तरीके से पुराने गमले पड़े हुए हैं या मिट्टी भी गमले में है, तो उन्हीं को हमें यूज कर लेना है। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर गार्डन में पत्तियाँ पड़ी होती हैं, पीली होकर गिर जाती हैं, तो उन पत्तियों को हमें फेंकना नहीं है, उसी मिट्टी में डाल देना है इस तरीके से। और जो ये मिट्टी है गमलों की, हमें थोड़ी सी हटा के, मतलब जो प्लांट लगाना है उनके लिए जगह बना के हमें उसी पौधे को इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ ये मिनिएचर वाला, मेरा जो चांदनी है ना, इन्हीं को लगाऊंगी। मैं भी नर्सरी से लाई हूँ, 30 रुपये का मुझे मिला है, तो इन्हीं को मैं लगाऊंगी इस गमले में। तो ये मेरी पुरानी मिट्टी है, पता नहीं कितने दिन की मिट्टी है, क्योंकि गार्डनिंग तो बहुत दिन से कर रही हूँ और पॉट भी 5 या 4 साल का तो हो ही गया है। तो इसको मैंने कुछ दिन पहले इस तरीके से पेंट कर दिया था। आता तो वैसे आपको पता है सीमेंट वाला है, तो ग्रे कलर में नर्सरी वाले या जो पेंट करते हैं वो दे देते हैं करके। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ इस तरीके से कलर ऐड किया हुआ है, देख सकते हो। तो आप भी कर सकते हो अपने मनपसंद कलर। तो मिट्टी ना थोड़ा सा सख्त हो जाती है इस तरीके से, ज़्यादा दिन की हो जाती है, तो हमें इनको निकाल के अच्छी से भुरभुरी बनानी है। क्या करना है, इनमें थोड़ा सा आप चाहें तो सैंड मिला सकते हैं, या फिर जो राइस हस्क आती है, यानी कि जो चावल की भूसी आती है ना, उनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या करना है, इन मिट्टी को देखिए इस तरीके से। वैसे फ़िलहाल मेरी जो मिट्टी होती है बिल्कुल सॉफ्ट ही होती है, तो इस तरीके से घास फूस जो गमले में है उनको हटा दें। उसके बाद में क्या करना है, हटाने के बाद में इस गमले को थोड़ा सा खाली करना, जितना हमें अपना प्लांट लगाना है। यहाँ मैं खाली करूँगी, तो हाथ में मिट्टी मुझे थोड़ा सा ख़राब लगती है, तो मैं यहाँ टूल का यूज़ करूँगी, मिट्टी थोड़ा सा मैं निकालूँगी। और इसमें मैंने पता नहीं क्या लगाया हुआ था, कई दिन से गमले मेरे खाली पड़े हुए थे बहुत से, तो विंटर में तो शॉर्टेज हो ही जाती है गमले की, मिट्टी की। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ चांदनी का प्लांट है, आज मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इतना सा गमला खाली कर लिया, लगभग 3 या 4 इंच होगा। और मैं जो पौधे लगाने वाली हूँ, ये वाला पौधा है और इसी में मैं लगाऊंगी, तो इतना काफ़ी है। खोलूँगी थोड़ा सा मिट्टी, यहाँ इतना तो हटाना है मुझे, बाकी लग जाएगा। और रूट्स देखे तो बहुत अच्छे से रूट्स आई हैं। तो अभी मैं क्या कहती हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा करने वाली हूँ, थोड़ा सा डालूँगी चुटकी भर में यहाँ पे फंजीसाइड इस तरीके से, ताकि मिट्टी में जो फंगस वगैरह हो, फिलहाल मिट्टी में फंगस नहीं, बस नमी है। तो इस तरीके से अब मैं अपने पौधे को लगाऊंगी। प्लांट ये मेरा है चांदनी का, तो मैं इस तरीके से इसको फाड़ फूड़ के, जिस तरीके से लोग करते हैं ना, मैं थोड़ा इसे सिंपली तरीके से सारे काम करती हूँ ना। तो फ्रेंड्स, खाली हो गया है, और यहाँ पे ना देखिए इस तरीके से जो नर्सरी वाले होते हैं सैंड सॉइल में लगाए हुए होते हैं, और रूट्स देख सकते हैं बहुत अच्छे से रूट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 50%, मतलब जो नर्सरी के सॉइल थी हटा दी, बाकी रखा हुआ है। इस तरीके से आपको भी करना है, ताकि जो मतलब नर्सरी के पौधे होते हैं वो अच्छे से सेट हो सकें। पूरी मिट्टी नहीं हटाना, कभी कभी लोग सारी मिट्टी हटा देते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट बिल्कुल सॉक में चले जाएँ, या फिर मर भी जाएँ। अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम नर्सरी से पौधे लेकर आएँ और हमारे पौधे मर गए, तो रीज़न ये होता है। तो कभी भी आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो उनको आप रिपोर्ट करने के टाइम थोड़ी सी मिट्टी रहने दें नर्सरी वाली, ताकि आपके पौधे बिल्कुल भी ना मरे। तो यहाँ पे मैंने छोटी चांदनी लेकर आई, लास्ट डे लाई थी, बेकार हो गया मेरा, इस बार फिर मैं लेकर आई हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है चांदनी को। ऐसे मेरे पास 2-3 वैरायटीज़ हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कर दिया। 1-2 इंच खाली रखना है, ताकि पानी वगैरह दे सकें, और खाद जो देते हैं वो फर्टिलाइज़र वगैरह उनके लिए जगह, गुड़ाई के लिए भी हमें जगह चाहिए होती है। अक्सर क्या होता है, हम ऊपर तक मिट्टी भर देते, जब पानी देते तो मिट्टी ऊपर से निकलने लगती है, तो इसलिए हमें हम लोगों को थोड़ा सा 1-2 इंच रखना होता है। और जब इस तरीके से हमारा रिपोर्ट हो जाए, तो क्या करना है, थोड़ा सा टेप कर देना इस तरीके से, और ऊपर से भी 1-2 चुटकी इसमें फंजीसाइड डाल देना है। तो यहाँ पूरा मेरा हाथ फंजीसाइड हो गया। तो आप इस तरीके से पुराने गमले को, पुराने मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लान, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।